सुभाषितानि सुंदर वचन क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च चिन्तयेत् क्षणत्यागे कुतो विद्या कणत्यागे कुतो धनम्। अर्थात क्षणशः एक एक पल, कणशश्चैव एक एक कण से विद्यार्थम विद्या और धन के लिए चिंतयेत सोचना चाहिए। क्षण त्यागे कुतो विद्या, क्षण त्यागने पर विद्या कहाँ, कण त्यागे कुतो धनम, कण त्यागने पर धन कहाँ। प्रथमे नार्जिता विद्या द्वितीये नार्जितम धनम तृतीये नार्जितो पुण्यम चतुर्थे किं करिष्यति। अर्थात प्रथमे नार्जिता विद्या, पहली विद्या प्राप्त नहीं की। द्वितीये नार्जितम धनम, दूसरे धन नहीं प्राप्त किया। तृतीये नार्जितो पुण्यम, तीसरे पुण्य नहीं कमाया। चतुर्थे किं करिष्यति, तो फिर चौथे और क्या करेगा, अर्थात फिर जीवन का कोई मंतव्य नहीं। सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता मातरं पितरं तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्। अर्थात सर्वतीर्थमयी माता, माता समस्त तीर्थों का रूप होती है। सर्वदेवमयः पिता, और पिता सभी देवताओं के। मातरम पितरम तस्मात्, तस्मात् इसलिए, सर्वयत्नेन सब यत्नों से मातरम पितरम माता पिता की पूजयेत, पूजा करनी चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम् वचने का दरिद्रता। अर्थात प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सर्वे जन्तवः अर्थात सभी प्राणी प्रिय वाक्य बोलने से तुष्यन्ति अर्थात संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम् वचने का दरिद्रता, तस्मात् इसलिए वक्तव्यम् प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में भला कैसी दरिद्रता। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम चानानृतम ब्रूयात एष धर्मः सनातनः। अर्थात सत्यम ब्रूयात सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात प्रिय बोलना चाहिए, ना ब्रूयात सत्यम प्रियम अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, प्रियम चा नानृतम ब्रूयात प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। एषः धर्मः सनातनः, यही सनातन धर्म है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मनोन्नतिं दिशति पापं पाकरोति लक्ष्मीं तनोत वितनोति च दिक्षु कीर्तिं सतसंगतिः कथैकिं न करोति पुंसाम। जाड्यं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, अर्थात सत्संगति बुद्धि की जाड्यम यानी जड़ता को दूर करती है, हरती है। सिंचति वाचि सत्यम, वाणी में सच्चाई उत्पन्न करती है। मनोन्नतिम दिशति पापम पाकरोति, मान बढ़ाती है, पाप दूर करती है। लक्ष्मीम तनोति वितनोति चा दिक्षु कीर्तिम, लक्ष्मी की वृद्धि करती है, चारों दिशाओं में कीर्ति फैलाती है। सतसंगति कथई किं न करोति पुंसाम, कथई कहो सतसंगति पुंसाम व्यक्तियों का
किं न करोति क्या नहीं करती, अर्थात सत्संगत से व्यक्ति सदा सुखी होते हैं। शब्दार्थ देखिए, क्षणशः प्रतिपल चिंतेत चिंतन करना चाहिए, नार्जिता नहीं प्राप्त किया, तुष्यंति संतुष्ट होते हैं, वक्तव्यम बोलना चाहिए, अनवृतम झूठ, जाड्यम धियः बुद्धि की जड़ता, पापम पाकरोति पापों को दूर करती है, तनोति फैलाती है, दिक्षु यानी दिशाओं में, पुंसाम यानी व्यक्तियों का, अभ्यासः उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायां च लिखत, क्षणशः कणाशश्चयु सर्वदेवमयः पूजयेत ब्रूयात मनोन्नतिम पापम पाकरोति सत्संगति ही। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है, क्षण त्यागे किं न भवति विद्या, द्वितीय किं नार्जितम धनम, सर्वतीर्थमयी क अस्ति माता, सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति प्रिय वाक्य प्रदानेन, कीदृशं प्रियं न ब्रूयात नानवृतम, वाक्यानि पूर्ति कुरुत कण त्यागे कुतः धनम, तृतीये नार्जितः धर्मः, सर्वदेवमयः पिता, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जंतवः तुष्यन्ति। चौथा, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, माता पिता की पूजा करनी चाहिए, मातरम पितरम पूजयेत, समय का पालन करो, समयस्य अनुपालनम कुरु, बोलने में कैसी दरिद्रता, वचने का दरिद्रता, प्रिय तथा सत्य बोलना चाहिए, प्रियम सत्यम च ब्रूयात, प्रिय वाक्य प्रदान करने से ही सभी जंतु तुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः। देखिए, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। अब आम का मतलब होता है हाँ और ना का मतलब होता है नहीं। कण त्यागे धनम न भवति आम, विद्यार्थी जीव ने विद्या न अर्जनीया न, मातरम पितरम च सर्वयत्नेन पूजेत आम, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जंतवः न तुष्यन्ति न, सत्संगति किमपि पुंसाम न करोति न। लिखित क्रियापदानाम लकारम पुरुषम वचनम च लिखत। क्रियापदान चिंतेत, लकारः विधिलिंग प्रथमः एकवचन, करिष्यति ऋट प्रथमा एकवचन, ब्रूयात विधिलिंग प्रथमा एकवचन, सिंचति लट प्रथमा बहुवचन। सातवां देखिए, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अब जो रेखांकित पद हैं आपको वहां पर प्रश्न का निर्माण करना है, एक करके दिखाया गया है। तो जैसे यहाँ पर मधुर वचनेन जनाः प्रसन्नाः भवन्ति, तो जनाः की जगह के लिखना है, व्यायामेन की जगह केन लिखना है, आज्ञाम की जगह किम लिखना है, वृक्षय की जगह कहीं लिखना है। फिर एक नए पाठ के साथ आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।